मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्टीन पेरीमीटर एंड एरिया आप बेटा लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है हम दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है बेटा सपोज इट इज अ क्लोज फिगर इसका जो बाउंड्री होता है बाउंड्री की जो लाइन सेगमेंट्स uh, की जो प्लस होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमिट पैरिमिट ऑफ रियक्टेंगल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता फॉर्मूला क्या होता है बेटा लेंथ एंड ब्रेड टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड और स्केयर का क्या होता है बेटा फोर मल्टीप्लाई साइड हमने मान लो इसका पेरीमीटर निकालना है देन यू हैव टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टू पॉइंट फाइव इट बिकम्स 3 plus 3 plus 2.5, 3 and 3, 6 plus 2.5, 6 and 2, 8.5 centimeter. Like that, we have to find all the uh, perimeter of all these figures. Okay, beta. Yes, beta. Now, worksheet number 1. A field is in the shape of a rectangle whose length is 130 meter and breadth is 95 meter. Ek beta. रेक्टेंगल शेप का फील्ड है खेत है उसकी लेंथ कितनी है बेटा 130 मीटर एंड ब्रेंड इज 95 मीटर फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग फेंसिंग क्या होता है बेटा कांटेदार झाड़ियां लगाना आपको पता है जो कांटेदार झाड़ियां होती है या कांटेदार ग्रिल लगाई जाती है वो कहां पर लगती है बाहर बाउंड्री पर लगती है ना सो वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फील्ड देन मल्टीप्लाई द पेरीमीटर विद द ट्वेंटी ओके बेटा कोस्ट ऑफ द फेंसिंग आपके पास आ जाएगा लेट डू ये स्टूडेंट्स इट इज अ अरेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इज़ 130 मीटर एंड ब्रेथ इज 95 मीटर इसके साइडों में बेटा बाहर बाउंड्री पर हमने फेंसिंग करनी है सो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पेनीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लेंथ ऑफ़ फील्ड इट इज 130 थर्टी मीटर नाउ ब्रेथ ओ फील्ड इट्स 95 meter. Okay, beta. Now, write down perimeter of the field. You have to apply the formula. Formula is 2L plus B. 2L plus B. And 2 multiply 0, 5, 5, 9 and 3, 12 and 1 and 1, 2. टू फाइव जा टेन टू टू जा फोर और वन फाइव टू टू जा फोर इतना हमें पेरीमीटर है इतनी फेंसिंग करवाने इतना मीटर हमें चाहिए अब उसने पूछा है देखो क्या कहा है उसने फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपीज ट्वेंटी पर मीटर जो फेंसिंग वाला है वो क्या है पर मीटर के एक मीटर के ट्वेंटी रूपीज लेता है और हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना है फोर फिफ्टी तो क्या लिखोगे आप यहाँ टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ

मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है पैरिमीटर का थ्राइस कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा इट इज अ फिगर ऑफ फील्ड इट इज इट्स लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 19 मीटर नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट लेंथ ऑफ फील्ड ब्रेथ ऑफ फील्ड एंड दैरिमीटर ऑफ द फील्ड नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर्मूला बेटा जरूरी लिखना है आपने ओके okay, बेटा इससे क्या होता है फॉर्मूला लर्न हो जाता है टू एल मल्टी एल प्लस बी नाउ पुट द वैल्यू टू एल इज ट्वेंटी फाइव एंड बीज नाइनटीन टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव एंड नाइनटीन नाइन एंड फाइव फोरटीन टू एंड एंड वन फोर एंड इट बिकम्स एटी एट मीटर देखो एटी एट मीटर तो वो जब एक राउंड करता है तब वो जाता है बट वो तो ऐसे तीन राउंड ले रहे है, तो क्या लिखेंगे यहां पर टोटल डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस वो कितना मूव करा कितना मूव करा एटी एट मल्टीप्लाई थ्री क्यों बिकॉज उसने थ्री राउंड लिए हैं इसके ठीक है थ्री एड जा ट्वेंटी फोर टू कैरी थ्री जा 24 फोर एंड टू ट्वेंटी सिक्स सो कितना टोटल डिस्टेंस हो गया टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मीटर वो चला है अपनी इस फील्ड के पूरे तीन राउंड करने में नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड स्क्वायर फील्ड क्या होता है विच हैज साइड्स इक्वल

मीटर ऑफ़ फर्स्ट गियर फील्ड इज़ फोर मल्टीप्लाई साइड एंड इट बिकम्स फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इट बिकम्स हंड्रेड मीटर ठीक है बेटा अब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला है कॉस्ट कितनी है बेटा रुपीज एटीन पर मीटर नाउ यू हैव टू राइट टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या आएगा बेटा हंड्रेड मल्टीप्लाई एटीन इट बिकम्स एटीन हंड्रेड रुपीज ओके यस बेटा नाउ रीड द फोर्थ क्वेश्चन। राजू रेन अराउंड रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लैंड थर्टी मीटर एंड ब्रेड फिफ्टीन मीटर जो राजू है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है ठीक है जिसकी लेंथ क्या है बेटा थर्टी मीटर है और ब्रेथ क्या है फिफ्टीन मीटर मनु रेन अराउंड अर फील्ड ऑफ साइड दिस मनु के यहां है एक स्केयर फील्ड के अराउंड घूम रहा है तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना तो आपने क्या करना है पहले राजू का निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला लगा के ठीक है फिर आपने स्केयर का फॉर्मूला लगा के मनु का डिस्टेंस निकालना है फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है ओके बेटा यस बेटा फोर्थ क्वेश्चन में पहले आप यहां लिखोगे राजू ठीक है कि हम राजू का केस राजू के फील्ड की बात कर रहे हैं इसका रेक्टेंगुलर गार्डन है तो आप इसकी शेप बना दो ठीक है एंड लेंथ इज थर्टी मीटर एंड ब्रेथ इज फिफ्टीन मीटर ओके नाउ राइट डाउन लेंथ ओफ गार्डन इज थर्टी मीटर ब्रेथ ऑफ गार्डन इज फिफ्टीन मीटर तो अब उसकी चारों तरफ घूम रहे है देन वी हैव टू फाइंड आउट द

स्केयर गार्डन ठीक है इसका गार्डन क्या स्केयर है जिसकी साइड कितनी है बेटा थर्टी फाइव मीटर आप क्या लिखोगे यहां पर साइड ऑफ गार्डन साइड ऑफ गार्डन इज थर्टी फाइव मीटर नाउ राइट डाउन पेरीमीटर ऑफ गार्डन फोर मल्टीप्लाई साइड फोर मल्टीप्लाई थर्टी फाइव फोर फाइव जा ट्वेंटी टू फोर्थ ट्वेल्व एंड टू फोर्टी तो किसका ज्यादा है बेटा देखो वन फोर्टी बड़ा है या 90? आप क्या लिखोगे वन फोर्टी मीटर इज ग्रेटर देन नाइन्टी मीटर सो मनु हैज कवर्ड मोर डिस्टेंस देन राजू उसने हाउ मच भी पूछा बेटा हाउ मच का मतलब क्या है इनको माइनस कर देना तो आप कर दो वन फोर्टी माइनस नाइनटी जीरो फोर्टीन में से नाइन गया फाइव फिफ्टी मीटर ठीक है देन और डिस्टेंस टोटल कितना है इसका कितना डिफरेंस है फिफ्टी मीटर का डिफरेंस है ओके फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा विनीत वॉन्ट्स टू पॉलिश द फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज वन फोर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ट्वेंटी मीटर वाइड द चार्जेस फॉर पॉलिशिंग द फ्लोर इज दिस पर स्क्वेयर मीटर सेम कोर्स निकालने बेटा आप खुद करोगे इसको ठीक है ओके द चार्जेस फॉर पॉलिशिंग वट विल बी द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ द रूम बेटा ये चेंज हो गया अब देखो ध्यान से पढ़ो विनय वॉन्ट्स टू तो पॉलिश द अब ये हमारा फ्लोर है अब पॉलिशिश की साइड में होगी अब अंदर होगी आपको पता ना फ्लोर तो फर्स्ट तो ये बनेगा तो जब हमने अंदर कुछ करना होता है देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ठीक है बेटा क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा विनीत वॉन्ट्स टू पॉलिश द फ्लोर ऑफ अ रूम ये रूम की बाउंड्री आ गई और दिस इज द फ्लोर ऑफ द रूम तो ये क्या अंदर वाला है इसको क्या बोलते हैं हम एरिया तो यहां पर आपने क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है एरिया का फॉर्मूला लगाना है आपने लेंथ इज 140 मीटर सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज 120 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द रेक्ट क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेट यू हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ टू ब्रेट और जो आंसर आएगा उसको आप 52 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई एंड यू गेट द कोस्ट ओके सिर्फ डिफरेंस क्या है यहां पर आपको एरिया निकालना है या क्वेश्चन पढ़कर समझना पड़ेगा कि वो अराउंड में जा रहा है या उसके अंदर जा रहा है यदि अंदर का है तो एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है बेटा और यदि बाउंड्री का है देन वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ओके येस बेटा क्या लिखोगे आप लेंथ ऑफ रूम 140 सेंटीमीटर ऑफ़ रूम 120 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द रूम लेंथ मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी टू जीरो ट्वेल्व फोर 48 एट फोर ट्वेल्व ट्वेल्व फोर सिक्सटीन ठीक है बेटा जब एरिया है तो आप क्या लिखते हो पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर ओके अब देखो ये सेंटीमीटर में आया है बट जो हमारा जो कॉस्ट है वो फिफ्टी टू रूपीज पर स्क्वायर मीटर है ओके बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके मीटर बनाने पड़ेंगे और जब स्क्वायर होता है देन वी हैव टू डिवाइड विद टेन टेन थाउजेंड ठीक है बेटा जब हम स्क्वायर सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं स्क्वायर मीटर बनाना है ना हमने देन वी हैव टू डिवाइड विदेंटी टेन थाउजेंड टू जीरो कैंसल एंड इट बिकम देखो टू पॉइंट है तो टू के बाद पॉइंट लगा पॉइंट सिक्स एट स्केर नाउ इट बिकम स्केर मीटर ओके बेटा नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोस्ट क्या लिखोगे यहां पर कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर वन पॉइंट सिक्स एट मल्टीप्लाई फिफ्टी टू बेटा वेन वी मल्टीप्लाई इट देन इट बिकम्स इट बिकम्स एट सेवन थ्री सिक्स ठीक है अब टू के बाद पॉइंट है देन वी गया बेटा टोटल कोस्ट आ गया फ्लोर को पॉलिशिंग करने का नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा अ कारपेट इज सिक्स मीटर लॉन्ग एंड फोर पॉइंट फाइव मीटर वाइड फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है स्क्र मीटर okay, तो आप बना सकते हैं उसका कॉस्ट अभी मैंने आपको चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि देखो बेटा मीटर मीटर ये भी मीटर में है तो इसमें चेंज करने की नीड नहीं है सिंपल आपने एरिया निकालना है और एरिया को आपने फोर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करना है आप खुद करोगे बेटा तभी आपको प्रैक्टिस होगी ओके okay बेटा नाउ सेवंथ क्वेश्चन अ पार्क इज टू बी वॉटर्ड उसको पानी देना है इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज फोरिया टू बी वॉटर्ड तो कितने एरिया एक कितना है एरिया है जिसको हमने पानी देना है तो पानी देखो हम पार्क के साइड में तो नहीं देंगे अंदर देंगे ना तो इट मीन्स हेयर भी हमें क्या निकालना है इसका एरिया वैसे भी मेंशन है फाइंड द एरिया ठीक है तो क्या लिखोगे आप साइड ऑफ स्केयर पार्क इज फोर पॉइंट टू मीटर फिर एरिया ऑफ द स्केयर पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। यस बेटा पहले आप क्या लिखोगे साइड ऑफ द पार्क इज फोर पॉइंट टू मीटर नाउ एरिया ऑफ द पार्क फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई साइन फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू एंड इट बिकम्स 17.64 पॉइंट सिक्स फोर स्केयर मीटर ओके बेटा यस नाउ फिफ्थ एट्थ क्वेश्चन च प्ले ग्राउंड हैज बिगर एरिया वन दैट मेजर फिफ्टी मीटर बाय फोर्टी फिफ्टी मीटर बाय फोर्टी मीटर का मतलब क्या बेटा उसकी लेफ्टी मीटर है? है और ब्रेथ क्या है फोर्टी मीटर है ओवर द अदर दैट मेजर सेवेंटी फाइव मीटर बाय ट्वेंटी मीटर तो आपने पहले क्या निकालना है पहले क्या लिखोगे एरिया ऑफ वन प्लेग्राउंड इज इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लाई फोर्टी बिकॉज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैंड आप निकाल दोगे फिर क्या लिखोगे एरिया ऑफ अदर या सेकेंड प्ले तो क्या आएगा सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी देखो आप सिंपल क्या लिखोगे इसमें ये इस बेटा आपने क्या लिखना है लेंथ ऑफ वन प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू फिफ्टी मीटर ब्रेथ ऑफ वन प्ले ग्राउंड फोर्टी मीटर एरिया ऑफ वन प्ले ग्राउंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव 2000 ट्वेंटी जीरो जीरो मीटर ठीक है बेटा नाउ राइट डाउन द सेकेंड स्टेटमेंट फिर क्या हम वहां पर आप लेंथ ऑफ अदर यह सेकेंड लिख लो सेकेंड प्लेग्राउंड इज सेवेंटी फाइव मीटर उंड इज ट्वेंटी मीटर एरिया एरिया ऑफ सेकेंड प्ले ग्राउंड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी जीरो टू फाइव जेन टू सेवन जै फोर्टीन एंड वन फिफ्टीन स्क्र मीटर बेटा देखो ये फिफ्टीन आया है फिफ्टीन स्क्र मीटर आया है और ये क्या है बेटा टू थाउजेंड आया तो किसका ज्यादा है एरिया फर्स्ट का तो क्या लिखोगे प्ले ग्राउंड वन हैज मोर या बिगर एरिया देन अदर हैज बिगर एरिया देन सेकेंड प्ले ग्राउंड देन सेकेंड प्ले ग्राउंड ठीक है बेटा ये सारी क्या थी आपकी फर्स्ट वर्कशीट थी आ, आई होप दैट आपको ये समझ आ गई होगी अच्छे से ठीक है और आपने अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन करनी है, ओके बेटा